कहना महेश्वर आज का न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे। और देखिए, मैं आज मेहंदी लगाई हूँ। और तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं अभी। और मैं अभी मिष्टी को पढ़ा रही हूँ और चलिए देखते हैं वो क्या करती है और आज मैं क्या क्या किए हैं दिन भर, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हाय, तो यहीं पे मैं मिष्टी को पढ़ा रही हूँ क्योंकि ना अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो बस वो खेलना सब कुछ तो करती है। और बच्चों को तो थोड़ा ये पढ़ाई वगैरह, पढ़ाई करने के लिए आदत तो डालना पड़ेगा, तो इसलिए बस मैं उनको बोलती हूँ तो वो बैठ जाती है पढ़ने के लिए, और वो खुशी खुशी पढ़ लेती है। और कल दोपहर को मैं सिखाई थी उनको ए सिखाई थी, तो वो देखो आज खुद के खुद ए ही लिख लिया है। तो बच्ची है ना, बच्ची को तो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बस उनके हिसाब से वो बस खेलते खेलते पढ़ाई कर रही है। और ये देखो, और शैतान तो ज़्यादा कर रही है, और ये टीवी लगा दिया हूँ, वो टीवी देख के डांस कर रही है। और तो मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने किचन, और मिष्टी का तो हो गया पढ़ाई, बस 10-15 मिनट बैठी और उसके बाद देखो। और मैं देखो यहीं पे आ गई किचन, आके देखा तो हस्बैंड ने ये प्रॉन्स को सारे धो दिए, धो के रखे हैं, और मैं उसको बस फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद उसको आज बनाऊँगी प्रॉन्स करी। और चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं प्रॉन्स करी मैं कैसे बनाती हूँ, और बहुत टेस्टी भी लगता है इसे बनाने से। तो यहीं पे मैं जो प्रॉन्स है उनको फ्राई करके रख दिया हूँ फ्रेंड्स, और ये यहीं पर आलू भी मैं डालूँगी, तो आलू को भी फ्राई कर रही हूँ। और आलू फ्राई होने के बाद मैं जो तेल लिया हूँ कढ़ाई में, और उसके अंदर तेज़पत्ता डाल ली हूँ, और जो मैं चप करके रखा था ओनियन डाल दिया हूँ। बस उसको फ्राई, हाफ फ्राई होने देंगे ब्राउन होने तक। और उसके बाद मैं यहीं पे जिंजर गार्लिक और एक टमाटो लिया हूँ, उसको पेस्ट बना के रखी हूँ। और ये फ्राई होने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये जो पेस्ट, और ये पेस्ट डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिला दूँगी। और मिलाने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर डाली हूँ हल्दी का पाउडर और रेड मिर्ची का पाउडर, ये तीखा वाला है, और मैं नमक भी स्वाद के हिसाब से डाली हूँ। इसको मैं अच्छे से मिला के बस कुछ देर के लिए कवर करके रख देंगे। और ये देखो यहीं पे मेरा मसाला अच्छे से हो गया है, और तेल भी पूरा देखो साइड से तेल छोड़ रहा है। और मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी क्योंकि ना आलू बस फ्राई की थी, और फ्राई होने के बाद इसको बॉयल भी होना है, और इसीलिए मसाले के साथ इसको मैं चलाते रहूँगी। अभी मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी थोड़ी सी, ऐड करके आलू को बस बॉयल होना है, तो इसीलिए मैं आलू को बॉयल करने के लिए पानी थोड़ी सी देके इसको कवर करके 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। तो अभी मैं देखूंगी आलू बॉयल हुआ कि नहीं, तो आलू बॉयल हो चुका है अभी। और इसके अंदर अभी मैं जो प्रॉन्स फ्राई करके रखा था उसको मैं डाल दूंगी,
और इसको भी मसाले के साथ अच्छे से भूंजने देंगे मसाले के अंदर, और इसके अंदर पूरा मसाला जाए और टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे पूरा मसाले के साथ इसको मैं भूंजूंगी। देखो अभी मैं थोड़ी सी और पानी डाली और ये प्रॉन्स को भी मसाले के साथ अच्छे से पूरा मिक्स होने देंगे मसाले के साथ। इसको कवर करके छोड़ देंगे। और मैं मस्टर्ड सीड और ये लहसुन और एक मिर्ची लिया हूँ, ग्रीन चिल्ली, और इसको मैं एक पेस्ट बना दूंगी। और यहीं पे मेरा जो प्रॉन्स है वो तो हो चुका है, और इसके अंदर मैं बस जितना आपको चाहिए ग्रेवी वो आप उतना ही पानी डाल सकते हो। और मैं पानी डाल के इसको छोड़ दिया हूँ। ये बॉईल अच्छे से होने के बाद मैं जो ये मस्टर्ड सीड लहसुन और ग्रीन चिल्ली का एक पेस्ट अच्छे से बना लिया था, पूरा पतला सा पेस्ट, और इसके अंदर मैं डाल दिया हूँ। और उसको कवर करके बस 15 मिनट के लिए इसको पूरा अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद देखो यहीं पे मेरा प्रॉन्स बन के पूरा रेडी। और आज प्रॉन करी बहुत टेस्टी था खाने में। तो उसके बाद हम लोग तो रेस्ट किए, उसके बाद मैं मिष्टी को लेकर आई हूँ पार्क, और वो यहीं पे खेल रही है, क्योंकि ना ये पार्क में अभी ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। तो 5 o'clock टू लेकर 6 o'clock और उसके बाद बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, तो बड़ा बच्चा भी आ जाते हैं, तो ये बच्चे को खेलने नहीं देते, बस गिरने का बहुत चांस है, इसीलिए मैं जल्दी लेके आती हूँ। और वो बच्चे आने तक वो खेलती है, उसके बाद मैं फिर से मिष्टी को लेके घर चल जाती हूँ। बस अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो खेलती है इनको, और बड़े बच्चे जो आएंगे ना वो पूरा इतना शोर मचाएंगे क्या बताऊँ। और ये बच्चे लोग को खेलने नहीं देंगे, बस ये गिरने का बहुत चांस है। और ये देखो यहीं पे खेल रही है, और भी सारा बच्चे जो है खेल रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सबको, और आई होप आप सबको पसंद आए, और प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना। जो भी मेरे चैनल में न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ आप सबको एक न्यू ब्लॉग के साथ।